दोस्तों, क्या आपके पास भी रियलमी का फ़ोन है तो आपको ये प्रॉब्लम ज़रूर आ रही होगी। ये प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड, जैसे आप कोई भी फॉर्म देख ली, जैसे ये कोई फॉर्म है, आपने अपने किसी भी क्रोम ब्राउज़र या गूगल ब्राउज़र पर फ्रेंड्स फॉर्म डाउनलोड करा या फिर फ्रेंड्स उसको प्रिंट करना है, तो फ्रेंड्स आप जैसे ही इधर अदर फ़ोन है जो उसमें प्रिंट वाले ऑप्शन पर जाते हैं, तो यहाँ पर एक PDF का ऑप्शन आता है, सेव टू PDF, प्रिंट को सेव टू PDF में आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा व्यू सेटिंग का, यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा जिससे हम अब किसी भी फॉर्म को या कोई फॉर्म जैसे स्कॉलरशिप का हो गया या अदर फॉर्म हो गया, फ्रेंड्स बहुत से फॉर्म होते हैं जो कि हम भर लेते हैं और PDF में सेव कर लेते हैं और फिर साइबर कैफ़े जाके प्रिंट करा लेते हैं। काफ़ी फॉर्म है, जैसे कोई चीज़ आपने आधार कार्ड तो फ्रेंड डाउनलोड होता है, मान लीजिए अपनी RC डाउनलोड करना चाहिए तो वहाँ पर भी प्रिंट को ऑप्शन करके आता है, तभी आप सेव कर पाएंगे, वरना स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फ्रेंड्स आप प्रिंट वाले ऑप्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पर सेव टू PDF का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपको व्यू सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। अगर आपके साथ भी आ रहा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। तो उसके लिए वीडियो का एंड तक वॉच करते रहिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और आपके मन में कोई डाउट हो तो उसको मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदिल, आप देख रहे हैं टेक्निकल आदिल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको अदर वायरलेस कनेक्शन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, देखिए ये, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, वरना फ्रेंड्स अगर आपके में नहीं आ रहा है तो ऊपर आपको एक सर्च का ऑप्शन दिया होगा, सर्च पर जाकर आपको सर्च करना है प्रिंट, प्रिंट डाल दीजिए, इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने देखिए दो अभी ऑप्शन आ जाएंगे, अभी ये कुछ देखिए ये आ गया है प्रिंट, एक ऊपर ऑप्शन है और नीचे, तो आप पहले वाले ऑप्शन पर आप प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आप जैसे इस ऑप्शन पे आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर एक ऐड सर्विस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, डिफ़ॉल्ट प्रिंट सर्विस के नीचे लिखा है ऐड सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड देखिए अब आपके सामने कई सारे ये प्रिंट के एप्लीकेशन आ जाएंगे, ये देखिए जैसे प्रिंट ऑन प्रिंट, HP प्रिंट, ये सब लिखा है। तो आपको करना क्या है, आपको नीचे एक प्रिंट का ऑप्शन नज़र आएगा जिसमें लिखा होगा प्रिंट शेयर मोबाइल प्रिंट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है तो आप अपने गूगल प्ले में पहुंच जाएंगे। अब फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन को आपको यहां से डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। तो फ्रेंड्स चलिए हम इसको इंस्टॉल पर लगा देते हैं। अब फ्रेंड देखिए हमारी ये एप्लीकेशन है प्रिंट शेयर मोबाइल प्रिंट, ये इंस्टॉल हो चुकी है, अब हम इसको यहाँ से डायरेक्टली ओपन करते हैं। तो फ्रेंड देखिए जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आएगा, अब नीचे आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ पर सेलेक्ट लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगा सबसे लास्ट में जिसमें लिखा होगा प्रिंट टू PDF, ये देखिए ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको कट कर देना है, इसको हटा देना है। अब देखिए जैसे फ्रेंड्स ये फॉर्म था मेरा फॉर्म 60 था, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब फ्रेंड देखिए मैं इस पर 3 लाइन पर क्लिक करता हूँ, प्रिंट पर क्लिक करता हूँ, तो फ्रेंड देखिए अब आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन नज़र आ गया होगा, ये देखिए जैसे ये देखिए ये पेज आ गया है जिसको मैं प्रिंट करना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपर आपको प्रिंट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लीजिए, आप पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं या लैंडस्केप करना चाहते हैं, जितने पेजों में आप सेव करना चाहते हो उस हिसाब से आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं 2 कॉपी चाहता हूँ, या फिर फ्रेंड्स आप ऑल पेजेस लिखा है, इसके 2 पेजेस हैं, तो फ्रेंड्स सेलेक्ट पेज आप जितने भी करना चाहते हो वो सब यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो फ्रेंड्स जैसे मुझे अब इसे PDF में सेव करना है तो उसके लिए यहाँ पर ऊपर एक प्रिंट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर आपको एक, जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लिख कर आ जाएगा यूज़ प्रिंट शेयर, आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगी, जैसे कि ये आ चुकी है, जिस पर लिखा होगा प्रिंट जॉब क्रिएटेड, ये चली गई है। चलिए मैं आपको स्लाइड करके दिखा देता हूँ,
ये देखिए, ये आपको दिख रही होगी सबसे ऊपर पिन जॉब क्रिएटेड लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड देखिए, अब आपके सामने ये ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। ये देखिए, ये दो आ गए हैं जो आपने अभी सेलेक्ट करा था पेज, वो दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर आ गए हैं। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ से टिक कर लेना है दोनों पेजों पर, जिसको भी आप मतलब सेव करना चाहते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सिलेक्ट कर रहा है आप कितनी कॉपी चाहते हैं, एक या दो, जो भी करना चाहते हो, और उसके बाद ओके पर आप क्लिक कर दीजिए। अब फ्रेंड देखिए, ये आपका जो है ये डाउनलोड वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा, और ये देखिए ये PDF का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको नीचे, ये देखिए, और इधर एक सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो आपका ये देखिए, इस पर लिख के भी अगर प्रिंट जॉब हैज़ बीन सेंट टू द प्रिंटर। अब फ्रेंड्स ये आपकी जो फाइल थी, जो आपका पेज था, जो आपने फॉर्म डाउनलोड किया था, यानी फॉर्म आ गया, वो डाउनलोड नहीं कर पा रहा है, प्रिंट करना चाह के PDF में सेव करना चाहे, तो आपका PDF में सेव भी हो गया है। चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ, मैं अपने स्मार्टफोन में, मैं इसको यहाँ से देखिए प्रिंट शेयर वाले ऑप्शन में फ़ाइल मैनेजर को भी हटा देता हूँ, और अपने मोबाइल में जाके फाइल मैनेजर को ओपन करता हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए नंबर फर्स्ट पर ही एक ऑप्शन नज़र आ गया, PS एंड्रॉयड, जो कि मैंने सेव करा था। उसका आप रीनेम भी चेंज कर सकते हैं, जो नेम डला था, जो भी कुछ आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब फ्रेंड्स ये मुझे पूछ रहा है आप किससे खोलना चाहते हैं, तो मैं इसको ड्राइव PDF पर, तो देखिए फ्रेंड्स ये आ गया फॉर्म 60। तो फ्रेंड्स आपको ये करना है, क्योंकि ये अभी कुछ अपडेट्स आए थे उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है। आगे चल के ये प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाएगी, क्योंकि जब अपडेट आएंगे तो आप इस प्रॉब्लम को दूर कर सकेंगे। अपडेट आएंगे, ये कुछ बग्स हैं इसके कारण ये हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपनी किसी भी फॉर्म को PDF में सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपकी ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल हो, तो आप अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय।